हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2021 की डेट तो हमारे सामने निकल कर आ ही चुकी थी, जहां पर बीसीसीआई ने बता दिया था कि 18 या फिर 19 सितंबर से हमें आईपीएल 2021 स्टार्ट होते हुए नज़र आएगा। इसके साथ ही 18 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आईपीएल की विंडो डिसाइड की जाएगी। इन सब बातों को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल का शेड्यूल किस तरीके से होगा, आईपीएल की रेज्यूम डेट को कन्फर्म करने के साथ साथ आईपीएल के प्रीवियस शेड्यूल में क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसके साथ ही कुछ और बड़े और इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए बीसीसीआई की एसजीएम की मीटिंग आज यानी कि 29 तारीख को हमें देखने को मिलने वाली थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में इस मीटिंग के डिसीजंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सौरभ गांगुली की अध्यक्षता में हमें ये मीटिंग में जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखने को मिलने वाले थे, उसमें सबसे पहला डिसीजन आता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर। भारत को ये बताना था कि क्या वो इसको होस्ट करने के काबिल है, खासकर तब जब आईपीएल में जो सब हमने देखा, इसका जो आउटपुट जाएगा वो आईसीसी को जाने वाला है। 1 तारीख को आईसीसी की मीटिंग होगी और उसके बाद आईसीसी डिसाइड करेगा कि भारत में ही वो T20 वर्ल्ड कप करवाया जाए या फिर नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन आना था आईपीएल के शेड्यूल को लेकर। इसके साथ ही जो तीसरा डिसीजन है वो होगा आईपीएल के वेन्यू को लेकर कि यूएई के कौन कौन से ग्राउंड्स में आईपीएल होगा। इसके साथ ही रणजी प्लेयर्स के कंपनसेशन यानी कि जिन प्लेयर्स को पैसा नहीं मिल पाया था, उनके घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, उनको पैसा देने के बारे में भी बीसीसीआई की मीटिंग होगी। इसके साथ ही बीसीसीआई ऑलरेडी इस चीज को क्लियर कर चुकी है कि 10 डबल हेडर मुकाबले और उसके साथ ही 7 सिंगल मुकाबले, 2 क्वालिफायर मुकाबले और 1 एलिमिनेटर मुकाबला होगा। ये पीटीआई के हवाले से हमारे सामने अपडेट निकल कर आई है। अब गाइज, अगर बात की जाए फाइनली आईपीएल के शेड्यूल की, किस तरीके से आईपीएल का शेड्यूल होने वाला है और इस चीज के ऊपर बीसीसीआई आपको इस मीटिंग में मुहर लगाते हुए नजर आएगी, तो जो इनिशियल शेड्यूल हमारे सामने निकल कर आया है जिसके ऊपर इस मीटिंग में मुहर लगेगी, वो है मैच नंबर 30 होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी की टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा 19 सितंबर को। और आपको मैच नंबर 31 देखने को मिलेगा सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में, 20 सितंबर को यह मैच होगा। 21 सितंबर को आपको आईपीएल रिज्यूम होने के बाद पहला डबल हेडर मुकाबला देखने को मिलेगा, जो कि पहला मैच होगा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच और दूसरा मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स की टीमों के बीच में। मैच नंबर 34 होगा सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में, जो कि 22 तारीख को होगा। तो ये अभी आईपीएल का टेंटेटिव शेड्यूल हमारे सामने निकल कर आया है। जैसे ही एसजीएम की मीटिंग जो कि स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही ये कंप्लीट होती है, वैसे ही आपको हमारे चैनल के ऊपर आईपीएल का ऑफिशियल शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।